आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, आज का हमारा क्वेश्चन है द ईएमएफ ऑफ स्टैंडर्ड वेटसन कैडमियम सेल। तो ये हमें कैडमियम सेल की ईएमएफ जो इक्वेशन है वो दी हुई है, और हमें जो ईएमएफ दिया हुआ है वो इतना दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ द सेल, तो ये डेल ई बाई डेल टी इक्वल टू दिया हुआ है -4.0 × 10⁻⁵। तो हमें डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस कैलकुलेट करना है जब एन 2 हो। तो ये गाइस फाइंड आउट करते हैं। तो पहले जो गिवन दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। सी टी 12.5% इन एच जी 3 सी टी एस ओ 4 एच 2 ओ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सी टी एस ओ 4 H2SO4 Hg is। तो हमें ये दी हुई है इक्वेशंस, और जो E दिया हुआ है वो दिया हुआ है 018 V। तो गाइस डेल E डेल T P जो होगा वो होगा माइनस ई एफ टी, जो कि है 21.018 × 96500 इक्वल टू -196.474 किलो जूल। सो जो डेल्टा एस होगा वो होगा एन एफ डॉट डेल ई डेल टी, जो गाइस हमने अभी भी निकाला है। तो वैल्यूज होगी एन 2 हमें दे रखा है, एफ की वैल्यू होती है 96500 इंटू जो गाइस हमने अभी वैल्यू निकाली है वो होगी -4 × 10⁻⁴। सॉरी गाइस, ये वैल्यू हमें दे रखी है डेल्टा ई बाई डेल्टा टी, जो वैल्यू हमें दे रखी है, हमें वो पुट करनी है। तो ये आ जाएगा 7.72 जूल किलो इनवर्स। और जो डेल्टा जी होगा हमारा वो होगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये होता है फॉर्मूला इसका। तो डेल्टा एच हमें पहले निकालना होगा, वो होगा -196.474 + 298 × -7.72 बाय 1000 इक्वल टू -196.474 - 2.3। तो ये आ जाएगा 198.774 किलो जूल। सो थैंक यू गाइस। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।